अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और इधर हम लोग नाश्ता बना रहे हैं अपने लिए, तो जोया इधर ऑमलेट बना रही है। और इस वक्त सुबह का टाइम है और तकरीबन 8:30-9 बज रहे होंगे। हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं हम दोनों, तो दोनों एक साथ ही नाश्ता करते हैं। नॉर्मली हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे पहले उठ जाते हैं कुछ 6 बजे तक, और वो लोग नाश्ता कर लेते हैं जल्दी। तो जोया इधर ऑमलेट बना रही है और चाय मैंने पहले से पकने के लिए रख दी थी। तो ये देखिए, हम लोग बस यहाँ पर एक साथ नाश्ता कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने इतने अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया मेरे पहली वीडियो पे। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मोस्टली मुझे पॉजिटिव कमेंट्स ही मिलते हैं, नेगेटिव बहुत कम मिलते हैं। और मुझे मौका मिलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्या कहते हैं वो कमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उन क्या कहते हैं व्यूअर्स के नाम लूँगी जो लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे कमेंट्स करते हैं और काफ़ी अरसे से मुझे कमेंट कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल हो गए हैं मेरे पहले वाले चैनल को, और उधर मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे सबका कमेंट करना और रिप्लाई करना भी। मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, देर से सही लेकिन कर देती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सबको सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती रहती हूँ एक एक करके सबको। अस्सलाम वालेकुम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं बाज़ार की तरफ, कुछ अपने काम निपटाने हैं हमें, तो अगर पॉसिबल हुआ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम लोग गए थे इम्तियाज़ सुपरमार्केट। हम लोग एवरी मंथ उधर ही जाते हैं ग्रॉसरी के लिए। तो मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी और वहाँ से मैंने कुछ थोड़ा सा सामान परचेज़ किया है जो कि आगे मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई तो अच्छा नहीं लगता, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। सो व्यूअर्स, हम लोग आ गए थे अपनी ग्रॉसरी करके और हम लोग गए थे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन मैंने अपने चैनल के लिए थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की है जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। और अक्सर लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं मेरे पहले वाले चैनल पे कि आपने ये चीज़ कहाँ से ली, कहाँ से परचेज़ करी, इसका ब्रांड बता दें। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपने चैनल के लिए की थी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये रही मेरी थोड़ी सी ग्रॉसरी। मैं सबसे पहले आपको अपने बाउल्स दिखाऊंगी, और ये बाउल्स रहेंगे, ये मैंने वहाँ से परचेज़ किए हैं इम्तियाज़ से। और ये तकरीबन 100 रुपीस का एक बाउल था। जिन जिसके रेट मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी जो मतलब याद है मुझे, क्योंकि मैं लिस्ट में मैं लेके नहीं बैठी हूँ। और इसमें कि मेरे पास बड़े बाउल्स थे तो ये मुझे छोटे अब नज़र आ गए, तो मैंने ले लिए। 2 बाउल्स सेम साइज़ के हैं, ये मतलब सेम शेप के हैं और ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, तो मैंने ये 2 बाउल्स 3 बाउल्स ख़रीदे हैं वहाँ से। और इसके बाद आ जाती है बारी इन शॉपर्स की, तो ये है कंडेंस मिल्क जो कि हमें बहुत सारे मीठों में और बहुत सारे डिज़र्ट्स बनाते हैं, आइसक्रीम्स बनाते हैं, मिल्क शेक्स वगैरह में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने ले लिया है। ये पोलाइक का हैगा, और उसके बाद ये बेकिंग पेपर हैगा, बटर पेपर है, कहाँ लिखा हुआ है, सब अरबी में लिखा हुआ है, ये रहा बेकिंग पेपर है, ये मैंने ले लिया था, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें बेकिंग के दौरान। इसके बाद मैंने लिया है पेपरिका पाउडर, और ये पेपरिका पाउडर है
गार्लिक पाउडर है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ, ये चॉकलेट चिप्स हैं, कुछ बिस्किट्स हैं, ये चॉकलेट कोटेड बिस्किट हैं, ये न्यू आए हैं मार्केट में, ये न्यू आए हैं मार्केट में, तो इसलिए मैंने लिए थे जस्ट टेस्ट करने के लिए। रीजन्स ली हैं मैंने इसके अलावा, और ये ऑरिगैनो और थाइम, ये दोनों चीज़ें ली हैं मैंने। और इसके अलावा है ये दो सॉस मैं लेकर आई हूँ, और ये है डिपेट का, आपको अगर नाम नज़र आ रहा है तो ये देखिए, और ये कुछ नया आया था ब्रांड तो मैंने ये ले लिया, डिपेस्को सॉस है, टबेस्को सॉस है सॉरी, और ये है बुफेलो हॉट सॉस। और इसके अलावा मैंने ये लिया है तंदूरी मसाला, और ये कुछ सोप है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो ये बाय वन गेट वन फ्री था इसलिए मैंने ले लिया, हिमानी का मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा हमारे पास है कुछ दो डायरियाँ हैं, नोटबुक्स हैं ये, और इस पे लिखने के लिए जो भी हमारी रूटीन की चीज़ें होती हैं या लिस्ट वगैरह बनानी होती है। और ये मैदा है, मैदा ले लिया मैं, यही वाला मैदा यूज़ करती हूँ, इम्तियाज़ से ले लेती हूँ, फ्रेश होता है, अच्छा होता है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस मैदे के साथ। और ये सेमोलिना है, ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी चीज़ में, हलवे वगैरह के लिए। हो गया कंप्लीट, अब आ जाते हैं दूसरे पैकेट की तरफ। तो ये हमारे पास टिश्यू हैगा, ये किचन टॉवल्स हैंगे, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है फ्राइंग वगैरह के लिए, या आपका काउंटर साफ़ करने के लिए, उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये प्लास्टिक कंटेनर हैं, ये बड़े अच्छे लगे मुझे, ये आए हुए थे और तो मैंने ये ले लिए हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और मैंने लिया है, अच्छा बटर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, न्यू टाउन का बटर है ये, आपको अगर लोगो ही देखिए, और मैं ये वाला यूज़ करती हूँ बेकिंग में, केक्स बनाने में, बिस्किट्स बनाने में, कुछ भी मुझे बनाना हो तो मैं यही वाला बटर लेती हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम बटर कौन सा यूज़ करें, तो आप ये वाला ले सकते हैं, अच्छा होता है ये बटर। इसके अलावा क्रीम ली है, क्रीम की भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ों में ज़रूरत पड़ती ही रहती है। राइस मैंने ये लिए हैं पूनम के, सेला राइस, तो मैं ये वाले राइस यूज़ करती हूँ। ये पैन ख़राब हो रहे थे तो मैंने थोड़े से पैन खरीदे हैं, थोड़े से नहीं एक दो ही लिए हैं। मैंने कढ़ाई ली है और ये ब्रश है, मुझे अच्छा लगा था तो ये मैंने ले लिया था, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये देखिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये मैंने ले लिया है, ये हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है बेकिंग के लिए, ऑयलिंग के लिए और एग ब्रशिंग के लिए। इसके अलावा एक की मैंने कढ़ाई ली है, सोनेक्स की हैगी, और एक मैंने ये भी लिया है, इसके साथ ये हमें कुछ फ्री भी मिला है, फ्री की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये कढ़ाई है, तुम्हारे खोल के दिखाती हूँ, ये भी फोनिक्स की है, तो ये मुझे अच्छी लगी थी तो ये मैंने ले ली। तो ये बेकिंग की कुछ डिशेस आई हुई थी, ट्रांसपेरेंट है ये, ग्लास की हैं और ये ओवन प्रूफ हैं, तो इस वजह से मैंने ये ले ली। ये देखिए इतनी खूबसूरत है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने जल्दी से ये ले ली। एक ये ली है मैंने, और इसके साथ एक स्क्वायर वाली ली है मैंने,
मेरे पास पहले हैं, पहले की हैं, काफ़ी पुरानी है, मेरे बचपन की हैं एक्चुअली, और लेकिन वो बहुत बड़े साइज़ की हैं, तो मुझे छोटे साइज़ में कुछ चाहिए थी, तो ये मुझे मिल गई तो मैंने ले ली। अगर आप लोगों का भी इम्तियाज़ जाना हो और आपको ये अच्छी लगे तो ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम होती है, ख़राब नहीं होती, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये मेड इन तुर्की है। तो ये बस ये थी मेरी थोड़ी सी ग्रॉसरी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, इससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी। सो ओके, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बेल चलो दोबारा से एक बात ज़रूर बतानी है, गर्मी आ चुकी है, आप मेरा हाल देख चुके हैं, देख रहे हैं, सही बंद है, आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। चलो स्टार्ट कर, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, इससे हम आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। हाँ बोला।